आई विल बी डेटिंग समवन, बंदा बियर्ड वाला होना चाहिए, बंदे के पास बॉडी होनी चाहिए और बंदा लंबा होना चाहिए बस। लड़की होनी चाहिए, ऐसा तो बिल्कुल नहीं एक्सपेक्टेशन होता, ठीक है, नहीं बिल्कुल नहीं होना होता है। और बस थ्री थिंग्स, लड़कों की भी बहुत लंबी लिस्ट होती है। विच थ्री थिंग्स? जो काली है, बाल, ये पन्नी डस्टबिन की, आपका टॉप। आरसीबी की जर्सी, ये डिवाइडेड लॉयल्टीज इसको कहते हैं, क्योंकि क्रिकेट की रॉयल्टी तो ये आपकी स्क्रीन पे इस समय, और नीचे पिंक है, ऊपर कोहली की जर्सी पहन ली है। क्या बोला तूने? और नीचे पिंक है। मैं गिरा होया बंदा जमा नीचे बल्ली है। होते हैं तो पॉडकास्ट में गुस्सा आता है, तो पॉडकास्ट में खुल के बातें होती है। हाँ तो खुल के करना। ओके, हाँ हाँ, जितना खुल सकता है। कभी किसी को पेला है आपने? पेला है मतलब क्या होता है? दो मतलब होते हैं पेलने के बेटा। पहले तू डिसाइड कर ले कौन सा पेलना बोल रहा है। बाल देखो मेरे कैसे हो गए, लग ही नहीं रहा जैसे सिर के बाल है, लग रहा है जैसे मैं गिरा होया बंदा झाड़, लग रहे हैं झाड़। चल बता, तेरे घर में कीमती सामान, सोना चांदी पैसा कहाँ रखा है, जल्दी बोल। भाई साहब, मैं ना आपको मेरे घर का सारा सामान दे दूंगा, सोना चांदी पैसा सब कुछ ले जाओ आप। आप बोलोगे तो ये घर भी आपके नाम करवा दूंगा, पर प्लीज भाई साहब इसको जाने दो प्लीज। कितना प्यार करता है तेरा पति तेरे से? अबे काय का प्यार, मेरी पत्नी 10 मिनट में आने वाली है, ये तो पड़ोसन है। बहुत सही। किस किस्म की ब्लैकमेलिंग होती है आपके घर पे? कुछ साल पहले मेरा भाई मेरे पास आया और मुझे कहता कि हम तुम्हें कचरे से उठा के लाए थे, तुम्हें अडॉप्ट किया था, मम्मा पापा से बात ना पूछना उनके दिल पर लगेगी। मैंने कहा ठीक है। उसने मेरे से अपना कमरा साफ करवाया, चाय बनवाई, हर काम उसने मेरे से करवाया। वो तो अल्लाह बख्शे मेरी दादी को, जो जाते जाते मुझे सारा सच बता गई कि कंजर झूठ बोल रहा था। अच्छा, तो आप अभी भी उसके काम करती हैं भाई? मेरी जुत्ती भी ना करे, अब मुझे कोई काम बोलता ना तो मैं उसको बोल देती हूँ तुम्हारे बाप की बेटी हूँ, नौकर नहीं हूँ। इत्थे रख मलंगी, जुत्ती लगी। और इसने विश्वास भी कर लिया था कचरे की पेटी से उठा के। मेरे पास आया मेरा भाई बड़ा मीठा होकर, मेरे से प्यारी प्यारी बातें की, फिर एकदम से मुझे कहता है कि तुम्हें फप्पू के खानदान वाले कैसे लगते हैं। उस टाइम मैं भरी पड़ी थी, फिर मैं शुरू हो गई, चाचे मामे ताए फूफो हर बंदे को मैंने अंदर रगड़ दिया। कोई 20 मिनट चुगलियों के बाद मुझे कहता है बस इतनी रिकॉर्डिंग काफी हो गई। क्या मतलब? कमीने ने सारी बातें रिकॉर्ड कर ली थी। ओह माय गॉड, भाई भाई है, कमाई है, दुश्मन है, क्या है? ऑल कंस्पिरेसी थ्योरीज व्हिच आई हैव रेड ईच एंड एवरीवन एंड आई रियली रिस्पेक्ट दोस कंस्पिरेसी थ्योरीज, दे वर लेजिट कंस्पिरेसी थ्योरीज। But on Humans of Bombay, I shall declare that I am not part of Mirzapur season 3. यही जलवा तो देखना था। हाथ में दिया लेके भी ढूंढोगे ना तब भी तुम्हें मेरी जैसी दूसरी नहीं मिलने वाली। मैं पागल हूँ जो दूसरी भी तुम्हारे जैसी ढूंढूंगा? तेरे को ऐसी मिल भी नहीं सकती। मुझे पता है यहाँ आगे चल के हाईवे निकलेगा और मुझे जमीन सस्ते में मिल रही है, पर मैं खरीदूंगा नहीं। इसी बहाने हमारे पोते पोतियां हमें याद तो करेंगे कि मर गया दादा भोतड़ी का, नहीं तो आज जमीन खरीदा होता तो हम आज एक करोड़पति होते। अरे बेटा कहाँ जा रहे हो? अंकल वो मैं शगुन का सामान देखने जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, और ये कौन है? ये शगुन। अरे भाई तू स्नैपचैट यूज करता है क्या? भाई तेरे को कैसे बता मैं स्नैपचैट यूज करता हूँ? बता ना, अब बता तेरे को कैसे बता मैं स्नैपचैट यूज करता हूँ भाई। मेल फ्रेंड लगाने से स्नैपचैट का क्या रिलेशन? नहीं मानोगी? नहीं नहीं पूछो ना। तुम आज तक कितनों के साथ सोई हो? हाँ बीबी, मैं ना सिर्फ तुम्हारे साथ ही सोई हूँ। अच्छा सच में? तो उंगलियों पे क्या गिन रही? क्योंकि बाकी सब तो मुझे जगा के रखते थे ना। बेबी ये बताओ, तुम्हारे पास दो लिप्स है ना, एक लिप्स से दिन भर झगड़ा करती रहती हो तो दूसरे लिप्स से मुझे मना भी कर सकती हो? अरे लौड़ी, किसी दिन तेरे को ही छोड़ दूंगी, समझे क्या? किसी का समझ आया किसी का नहीं। ये इधर ये इधर, ये बोले मुट्ठी में, मुट्ठी वाली को घर पसंद नहीं इधर, इसको घर पसंद नहीं इधर, और इसको इसको घर पसंद नहीं मेरी मुट्ठी में। चल घुचड़ू गाई, घुचड़ू दो गाई, डब्बे की निकली बैठी उस गाई। दो नीले बना दे, जो नीला है दो नीले बना दे,
दो नीले बनाते ऐसे बनाता तो आपके पास थोड़ी आता, 10-20 मांगने घर बैठे बना ले। ये कोई शक नहीं, ये हुआ ना जवाब, जाने लोग आ जाते हैं। और इसको खाने के लिए कहाँ आना पड़ेगा, सामने आइए। खाना तो दूसरों को क्यों बता रहा है, उसके ग्राहक अपने आप आ जाएंगे। क्या आपकी भी सलवार में तलवार है? हेलो, ये बोलने का तरीका है बच्चे, ऐसे नहीं बोलते आंटी। बेटा एक बात सुनिए, आप लड़कियों से कभी इस तरह की भाषा नहीं बोलना है, ओके? ठीक है आंटी, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी। भाई क्या हुआ था अभी, मुझे नहीं समझ आया, सबक मिल गया? क्या हुआ था ये, सबक मिला तुझे? मुझे कभी छोड़ोगे तो नहीं? अरे मैंने तो उनको नहीं छोड़ा जिनके ब्याह हो गए, तो तुझे खत्म, बाय बाय टाटा। अब वो तुझे नहीं छोड़ेगा। आवाज आ रही है, हेलो, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना? हाँ। देना। तू पागल हो गया है क्या? अरे तेरे क्लास में जो नई फ्रेंड है ना, उसका नंबर देना। तू पागल है क्या? तेरे बारे में थोड़ी सोचूंगा ऐसे, पगली। दे दे निकाल। बच गया, ये ले। दूसरा बच गया। मम्मा मैं गाड़ी ले रहे। कौन सी? स्विफ्ट। हैं? कौन सी? स्विफ्ट। पहले बोलना तो सीख ले, गाड़ी चाहिए। बोलना तो मुझे BMW आता है, ले सकते हो? हाँ बता। मम्मी की पसंद आती है, वो ऑलरेडी कमिटेड है, तो आप क्या करोगे? देखो मतलब ये सवाल जब भी आता है ना, तो हर इंसान रुक जाता है कि मतलब चलो कमिटेड है, बात खत्म। पर यही तो जगह है जहाँ से आगे बढ़ना है। मतलब क्या है ना कि जब लड़की कमिटेड है तो उसमें जो आपका कंपटीशन है ना, वो सिर्फ एक लौंडे के साथ है। डेडिकेशन देख रहे हो यार, वहाँ पे जो कंपटीशन है ना, बहुत डेडिकेशन इसे कहते हैं। अगर इसने ये डेडिकेशन कहीं और लगा दिया होता तो शायद उसकी बंदी पट जाती, तो आप रुक जाते हो। नहीं भाई, नहीं रुकना, यहीं से तो आगे बढ़ना है। ट्राई करते रहो, ठीक है, आगे बढ़ते रहो, समझ गए? हाय, व्हाट्स योर नेम? तान्या। हाय तान्या, रिलेशनशिप में या फिर सिंगल है? सिंगल। सिंगल है यार, मैं अभी हाल ही में सिंगल हुआ हूँ। स्टोरी बताऊँ क्या हुआ? बताइए। मतलब मेरी क्रश थी, उसने मुझसे बोला कि मुझे 4,000 रुपए दे, मैं तेरे को कल दूंगी। मैंने उसको बोला तू 5,000 पकड़ और मुझे तो अभी दे। भाई इसीलिए तो सिंगल है, और तू सिंगल ही मरेगा। आती है जब शानदार उजाला हो, और रील्स तभी चलती है जब साथ में पुलिस वाला हो। वाह, क्या बनना है? पुलिस वाला नेता बनना है मुझे। कहां गया था बे? कुछ नहीं यार, वो तेरी गर्लफ्रेंड ने बुलाया था फोटो लेने के लिए। ले ली फिर? हाँ ले तो ली। तो दिखाना यार। नहीं यार, वो उसने वीडियो बनाने से मना कर दिया था। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बली है। क्या भाई इसे कहते हैं बेरोजगारी का लेवल अल्ट्रा प्रो मैक्स है। क्या बात है सर, ये होते हैं पक्के मतलब ठप्पे मारे वाले से बेरोजगार। अपना बनाया था, क्या हो गया? हेलो भैया, गलती से मेरे आपको 10,000 रुपए ट्रांसफर हो गए होंगे, मैं किसी और को भेज रहा था, तो मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ, फटाफट मुझे भेज दीजिए। अरे क्यों कर दिया यार, मेरे अकाउंट में ऑलरेडी 20,000 रुपए माइनस में पड़े हुए हैं, चले गए तुम्हारे पैसे, अब डूब गए, पूछ के तो करना चाहिए ना। किन गरीबों का डाटा ले आते हो यार, थोड़ा अमीरों का डाटा तो लेके आओ। लाइफ में बात भी करना बहुत जरूरी है, घूमना भी जरूरी है, लेकिन पढ़ना भी जरूरी है। बहुत अच्छा किया जो उसे अकेला छोड़ दिया, तुमसे कम तुम दोनों के साथ खराब। अब तुम्हें दिखाऊंगी क्या? मैं दिखाना क्या कर रहे हो इस बार? शर्माना हो तुम सिर्फ? नहीं नहीं शर्मा नहीं, मैं दिखाऊं तो मेरा काम है, क्योंकि मैं तो शर्माऊंगा नहीं, आप मत शर्मा जाना बस। नहीं नहीं मैं नहीं शर्मा रही, दिखाओ। ऐसे लोग भी शर्माने वाला काम करते हैं, ऐसा क्या है? लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? ये ठीक, अच्छे से कटिंग करना। How much do you have in your bank account right now? I think it's around 10K plus.
10K. Are you happy with the amount? Of course I am. Do you think money brings happiness? That actually depends on the source of your happiness. Say for example, if your source of your happiness is some materialistic things of this world, like an iPhone or a MacBook or some other expensive car or bike, in that case, money can buy you happiness. On the other hand, if your happiness relies on some human connections, like friends, family, in that case, money won't buy you happiness. Wow, it was very crystal clear, the answer. So what is your happiness? As I said, I actually like human connection. That's where my happiness depends.